इस्कॉन आगरा की ओर से पहली बार सूरसदन में आयोजित होने जा रहे शंखनाद मेगा यूथ फेस्ट 2022 का पोस्टर विमोचन संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में इस्कॉन मंदिर के पदाधिकारियों ने किया। 5 दिसंबर को सैकड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी द्वारका शंखनाद बैंड की भक्तिमय धुन पर झूमने को तैयार हैं। इस्कॉन मंदिर आगरा अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास ने बताया कि शंखनाद कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में 15 वर्ष से अधिक उम्र के भटके हुए अवसाद से ग्रसित युवाओं को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। यही वह समय होता है जब उन्हें सही मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत होती है। युवाओं की व्याकुलता को देखते हुए IIM अहमदाबाद के शिक्षक और दिल्ली के इस्कॉन द्वारका के उपाध्यक्ष अमोघ लीला दास प्रभुजी युवाओं की जिज्ञासा को प्रश्नोत्तर संवाद कर शांत करेंगे। संवाद के पश्चात बैंड की अद्भुत प्रस्तुति से कृष्ण भक्ति में डूबे युवाओं के तनाव को दूर करेगी। इस्कॉन आगरा से जुड़ी पदाधिकारी अंशु मित्तल ने बताया कि सूरसदन प्रेक्षागृह में होने जा रहे शंखनाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के हजारों युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। मैं अशु मित्तल, इस्कॉन आगरा का फूड फॉर लाइफ आगरा, एक इस्कॉन आगरा का ही पार्ट है, मैं उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो प्रेस वार्ता है आज, ये जो हमारा एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है सूर सदन में 5 दिसंबर को, उसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो युवा वर्ग है आगरा का, जो भ्रमित है और पीड़ित है, उनको एक एजुकेशन देने के लिए हमारे बीच में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमोघ लीला दास प्रभु जी, वो आ रहे हैं और वो ही बच्चों को मोटिवेट करेंगे अपनी टॉक से और बताएंगे कि उनको अपने जीवन में क्या लक्ष्य निभाना चाहिए और क्या किस तरह से उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, इस बारे में एक उनको जानकारी दी जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।